वेलकम टू माई चैनल। सो आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट लेटेस्ट क्यू कार्ड। सो हमारी स्टेटमेंट है, डिस्क्राइब एन ओकेजन व्हेन यू गॉट इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, कि एक कैसा टाइम, एक कैसा मौका जब आपको गलत इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई हो। यू शुड से व्हेन यू गॉट इट, कि आपको ये गलत इन्फॉर्मेशन कब रिसीव हुई थी, हाउ यू गॉट इट और कैसे मिली थी, हाउ यू फाउंड इट वॉज इनकरेक्ट और आपको कैसे पता चला कि ये इन्फॉर्मेशन जो आपको मिली है वो इनकरेक्ट थी, एंड हाउ यू फेल्ट अबाउट इट और आपको इसके बारे में कैसा फील हुआ। वेल ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन हैज़ बिकम सो कन्वीनियंट ड्यू टू द इन्वेंशन ऑफ इंटरनेट, कि इंटरनेट की इन्वेंशन की वजह से इंफॉर्मेशन गेन करना बहुत ज़्यादा ईजी हो गया है। कन्वीनियंट मीन्स ईजी। ऑल्दो आई हैव गैदर्ड डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज ऑन वेरियस टॉपिक्स थ्रू आउट माई लाइफ, कि वैसे तो मैंने बहुत ज़्यादा डेटा अभी तक इकट्ठा किया है डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर थ्रू आउट माई लाइफ, बट हियर आई वुड लाइक टू शेयर वन इंस्टांस, बट मैं यहाँ एक एग्जांपल शेयर करना चाहूँगा। इंस्टांस मतलब एक्सपीरियंस कह सकते हो आप, कि एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। व्हेन आई रिसीव्ड इनएक्यूरेट डिटेल्स अबाउट समथिंग, कि जब मेरे को जो डिटेल्स थी वो इनएक्यूरेट का मतलब इनकरेक्ट रिसीव हुई किसी चीज़ के बारे में। इट हैपेंड 2 years ago, ये 2 साल पहले की बात है, 2 साल पहले हुआ था। माई टीचर गेव मी एन असाइनमेंट ऑन द टॉपिक ऑफ डीमोनेटाइजेशन, कि मेरे टीचर ने मेरे को एक असाइनमेंट दी थी और टॉपिक था डीमोनेटाइजेशन, दैट मीन्स नोटबंदी। आई वॉज एक्वेंटेड विद दिस सिचुएशन, कि मेरे को इस सिचुएशन के बारे में पता था। एक्वेंटेड का मतलब होता है फेमिलियर होना, कि मैं इस सिचुएशन से फेमिलियर था, बट आई वॉज अनश्योर ऑफ द फैक्ट्स एंड डेटा, बट इससे रिलेटेड जितनी भी डेट्स थी, अमाउंट थी, वो उनके बारे में अनश्योर था, मतलब मेरे को पक्के तरीके से नहीं पता था। सो आई बिगेन ब्राउजिंग द इंटरनेट, तो मैंने इंटरनेट ब्राउज करना, सर्फ करना, सर्च करना शुरू कर दिया। विद इन अ फ्यू सेकेंड्स और थोड़े ही सेकेंड्स के अंदर आई हैड इनफ डिटेल्स टू प्रिपेयर द प्रोजेक्ट, मेरे को उस टॉपिक के बारे में इनफ डिटेल्स मिल गई थी ताकि मैं अपना प्रोजेक्ट शुरू कर सकूँ, प्रिपेयर कर सकूँ। आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, मैंने प्रिपेयर करना शुरू भी कर दिया, एंड विद इन 2 days आई हैड इट रेडी, और 2 दिन के अंदर अंदर मेरा असाइनमेंट था, प्रोजेक्ट था, वो रेडी हो गया था। बिफोर सबमिटिंग इट, इसको टीचर को सबमिट करने से पहले आई वेंट टू माई अंकल्स प्लेस टू शो इट, मैं अपने अंकल के घर गया इस प्रोजेक्ट को दिखाने के लिए। एज ही वर्क्स एज अ बैंक मैनेजर, क्योंकि वो एक बैंक मैनेजर है, ही रिव्यूड माई असाइनमेंट थॉरली, कि उन्होंने मेरी असाइनमेंट को थॉरली रिव्यू किया। रिव्यू का मतलब होता है चेक करना, थॉरली मतलब अच्छे तरीके से चेक किया, एंड इन्फॉर्म्ड मी और मेरे को बताया अबाउट द रोंग डेट्स एंड फैक्ट्स, कि मैंने उसके अंदर कुछ गलत डेट्स और फैक्ट्स लिखे हुए हैं। फर्स्टली आई गॉट कन्फ्यूज, पहले तो मैं कन्फ्यूज हो गया, एज देयर वॉज ओनली 1 day लेफ्ट टू सबमिट, क्योंकि सबमिशन डेट बहुत ज़्यादा नियर थी, सिर्फ 1 दिन ही बचा था। देन माई अंकल प्रोवाइडेड मी विद द करेक्ट इन्फॉर्मेशन, तो मेरे अंकल ने मुझे करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की, एंड असिस्टेड मी इन कम्प्लीटिंग इट बिफोर द डेडलाइन, और डेडलाइन मतलब लास्ट डेट से पहले कंप्लीट करने में मेरे को हेल्प किया, असिस्टेड मीन्स हेल्प करना। देन आई टुक अ साई ऑफ रिलीफ, उसके बाद मेरे को सुख का सांस आया। आई फेल्ट रियली डिसअपॉइंटेड, मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा लगा, बट ऑल्सो लर्न अ लेसन, बट साथ में ही मैंने एक लेसन भी सीख लिया दैट वी शुड क्रॉस चेक द डेटा, कि हमें जो डेटा हमें रिसीव करते हैं उसको क्रॉस चेक करना चाहिए थोरोली, मतलब अच्छे तरीके से, इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन अ सिंगल सोर्स, कि सिंगल सोर्स पर बिलीव करने की बजाय हमें उसको क्रॉस चेक करना चाहिए। रिलाइंग का मतलब होता है डिपेंड करना। मोरोवर आई ऑल्सो फेल्ट ग्रेटफुल टू माई अंकल, मैं अपने अंकल के लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल था, उनका बहुत ज़्यादा आभारी था, हु सपोर्टेड मी थ्रू अ डिफ़िकल्ट मोमेंट, जिन्होंने मेरी डिफ़िकल्ट टाइम में हेल्प की, मुझे सपोर्ट किया। लास्टली आई वुड से दिस वॉज द फर्स्ट टाइम, लास्ट में मैं यही कहूँगा कि ये वाला मेरे लिए फर्स्ट टाइम था, व्हेन आई रिसीव्ड इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, कि मेरे को जब इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई, दैट टॉट मी समथिंग यूजफुल, बट साथ में उसने मेरे को कुछ यूज़फुल सिखाया कि वी शुड क्रॉस चेक द
detail. So that's the end of the video. Thank you so much for watching. Don't forget to like, share and subscribe.